हाय फ्रेंड्स, फूड क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेड से कुछ अलग तरीके की डिश बनाने जा रही हूँ, जो कि है ब्रेड पुलाव। आप इसे लास्ट तक देखिए, अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ब्रेड पुलाव बनाने के लिए मैंने ये वाइट ब्रेड ली है, आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और फ्राई के लिए मैंने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्ची और मीठा नीम लिया है। मैंने मूंगफली ली है, इसको भी हम फ्राई करेंगे। और मसालों के अंदर मैंने लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, जीरा, राई, नमक, हींग, 2 टेबल स्पून तेल, और मैंने बेगी मसाला लिया है, इससे थोड़ा टेस्ट आएगा। ब्रेड को हम स्क्वायर शेप में काटेंगे। इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये हमने ब्रेड के पीसेस कर लिए हैं। हम कढ़ाई लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। हमारा ऑयल गरम हो रहा है, तो गरम होने के बाद में जो हमने मूंगफली ली थी उसको हम फ्राई करेंगे। ये हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है, इसको हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये इस तरह से ब्राउन हो गई। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ी राई, जीरा और मीठा नीम डालेंगे। फिर उसके बाद प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, इसमें शिमला मिर्ची, टमाटर भी डाल देंगे। इन्हें हम फ्राई होने देंगे 1-2 मिनट के लिए। हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। लाल मिर्ची, थोड़ा हल्दी, नमक जो हमने मैगी मसाला लिया था, मैगी मसाला, ये सभी मसाले डालने के बाद में जो मूंगफली फ्राई करी थी उसको इसमें मिला देंगे। जो हमने जो ब्रेड के पीसेस कर रहे थे वो इसमें मिक्स कर देंगे। ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, उसको हम ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं।
बच्चों के लंच बॉक्स में। ये हमारा तैयार हो गया है।